हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लखनऊ नमा अकेडमी एंड टुडे इस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रम इन केस ऑफ टू कम्युनिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ वन कम्युनिटी कंज्यूमर इक्वलिब्रम एक केस में जहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ एक कम्युनिटी को कंज्यूम करता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने अगर उस लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ डू वॉच द लेक्चर एंड लेट स्टार्ट अवर सेशन तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है जब कंज्यूमर दो कम्युनिटी को कंज्यूम करता है इट मीन्स की ही इज़ कंज्यूमिंग गुड एग्स एंड गुड बाई हम ये एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग गुड एक्स एंड गुड वाई ए गुड के केस में हम क्या एज्यूम करते थे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली गुड एक्स बट इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग दैट कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कॉमिटीज इट इज एक्स एंड वाई एंड फॉर अटेनिंग कंज्यूमर एक दे आर टू नेसेसरी कंडीशन टू अटेन कंज्यूमर एक उस केस में भी जहाँ पर एक कॉम्योडिटी का था वहां पे एक कंडीशन दो कंडीशन थी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना था देन यू विल अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस केस में भी यही है कि कंज्यूमर कंज्यूमर टू बी एन इक्विलिब्रियम उसको दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना रहता है तभी कंज्यूमर हमें क्या कहलाता है कंज्यूमर इज़ एन इक्विलिब्रियम ओके okay, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने लास्ट uh, लेक्चर मेरा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ अगर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग को ईज़ली समझ में आ चुका है तो ये बहुत ईजी रहेगा आप लोग को लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ़ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पता है तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को वॉच कर लीजिए फिर आप इस लेक्चर पर आइए क्योंकि ये लेक्चर उसी से कनेक्टेड है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है सबसे पहली कंडीशन इक्वी um, की क्या होती है कि कंज्यूमर द रेशियो ऑफ वेट 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 द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स कह रहा है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी रेशियो ऑफ प्राइस विद रेस्पेक्ट टू इट्स यूटिलिटी रेशियो ऑफ प्राइस विद रेस्पेक्ट टू इट्स यूटिलिटी यहाँ पर आप देख लीजिए कि गुड एक्स का प्राइस है तो गुड वाई की क्या है यूटिलिटी है ओके गुड एक्स का प्राइस है तो गुड वाई की यूटिलिटी हम दोनों को रेशियो में इक्वल हमने किया है किसके रेफरेंस में किया है गुड वाई के रेफरेंस में हमने उसको इक्वेट किया है तो जब हम इक्वेट करेंगे गुड एक्स एंड गुड वाई को गुड वाई के एक्स गुड एक्स के प्राइस को और गुड वाई के प्राइस को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी जब हम उसको इक्वेट करेंगे तो अब हमारा क्या कहलाएगा कंज्यूमर इज इन इक्वेल ठीक है तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए वे आर मार्जिनल यूटिलिटी एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स है और पी एक्स क्या है आपका पी एक्स है आपका प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स एंड एम यू वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कॉम्यूडिटी वाई एंड पी वाई इज़ द प्राइस ऑफ कॉम्यटी वाई ओके तो ये कंडीशन हमारी एक नेसेसरी कंडीशन होती है टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये कंडीशन बहुत नेसेसरी होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती है तो देन इट इज सेट कि कंज्यूमर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम ओके अब इसके कई सिनारे होते हैं लाइक like कि अगर आपका एम यू एक्स जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए लिखा हुआ है इफ़ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर Py एम यू वाई अपॉन पी वाई अब ऐसा तो होगा नहीं कि कंज्यूमर इन वन वन को बिकम एलिजिबल फॉर दिस कंडीशन ऐसा तो होगा नहीं ना एक बार ही वो सेटिस्फैक्शन uh, एक बार ही वो इस कंडीशन पे तो आ नहीं जाएगा हो सकता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई भी हो सकता है या फिर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस दैन एम यू वाई अपॉन पी वाई भी हो सकता है तो ये दोनों केसेज हो सकते हैं ठीक है तो अब हम ये समझेंगे कि जब हमारा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई होगा तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा कैसे ये इस अपनी कंडीशन को इक्वेट करेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा ठीक है चलो लेट्स सी तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि इन दिस केस अ कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी इन केस ऑफ गुड एक्स जब देखिए आपका ग्रेटर uh, देन का साइन किस साइड लगा हुआ है आपका गुड एक्स के साइड लगा हुआ है इट मीन्स कि कंज्यूमर इज़ गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गुड एक्स एज वी आर कंपेयरिंग विद वाई कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है गुड एक्स से एज वी आर कंपेयरिंग विद वाई ठीक है तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा दे आर फोर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई ऑब्वियसली ये तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर उसको एक्स से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है वाई के कंपेरिजन में तो वो एक्स को और कंज्यूम करेगा ठीक है वाई का कंजम्पशन कांस्टेंट रखेगा और एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा जब एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा तो एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आएगा कंज्यूमर के लिए कि जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी ड्यू टू पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ठीक है इस वजह से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी तो जब ज़ीरो हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी तो कंज्यूमर क्या करेगा अपनी इक्वेशन को फिर क्या कर देगा इक्वेट कर देगा और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई फाइन अब उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है दिस विल दिस विल टू फॉल इन एम यू वाई मतलब जो क्या होगा एम यू वाई का कंजम्पशन कम होता जाएगा है ना जब वो एम यू एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो एज वी आर कंपेयरिंग एम यू एक्स विद एम यू वाई तो एम यू वाई क्या होता जाएगा गिरता जाएगा उसके बाद द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय ऑफ एक्स स्टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन पी वाई ओके ये समझ में आ गया आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा बहुत इजी है ये बहुत इजीली समझिए कि जब आपका एम यू एस इज ग्रेटर देन पी एक्स होगा तो उस उस केस में क्योंकि उसको गुड एक्स में ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो वो उसको गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा और एक पॉइंट पर उसका एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी तो उस स्टेज में उसकी कौन सी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई ओके द नेक्स्ट कंडीशन है मतलब इफ वाली है कि अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा चलिए हम ये देखते हैं कि इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी इन केस ऑफ गुड वाई एज कंपेयर टू गुड एक्स कह रहा है कि इस केस में अब कंज्यूमर को गुड वाई से क्या मिल रही है ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज वी आर कंपेयरिंग विद गुड एक्स तो गुड वाई के कंपेरिजन गुड एक्स के कंपेरिजन में गुड वाई से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है ठीक है तो अब यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा सो so इजी कंज्यूमर ही विल बाय मोर ऑफ वाई जब उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बाय करेगा एंड लेस ऑफ एक्स दिस विल लीड टू फॉल इन एम यू वाई एंड राइज इन एम यू एक्स ओके और ये कब तक गुड वाई को बाय करता रहेगा तब तक बाय करता रहेगा जब तक उसका एम यू एक्स इज़ इक्वल टू एम यू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई नहीं हो जाता फाइन उसके बाद इसकी सेकेंड कंडीशन होती है सेकेंड कंडीशन वही जो आपकी उसमें थी गुड वन में थी वही कंडीशन है सेम कंडीशन है कि एम यू फॉल्स इज कंजम्पन इंक्रीजेस जैसे जैसे आपका कंजम्पन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी ये तो आप, आपको मैंने डी एम यू में ही बताया था कि कंज्यूमर कंज्यूमर जैसे जैसे अपना अपनाफा कंजम्पन बढ़ाता जाएगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कंज्यूमर एंड कंज्यम कंजम्पन ऑफ टू कॉमोडिटीज विल बी एट इक्विलिब्रियम वैन ही स्पेंड्स इज लिमिटेड इनकम इन सच वट द रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कॉमोडिटीज़ एंड रेस्पेक्टिव प्राइजेज आर इक्वल वही चीज मैंने यहाँ पे इसको लिख दी है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस मतलब उसका रेशियो और गुड वाई का मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू तो इट्स प्राइस इक्वल एक्व, होना चाहिए एट द सेम टाइम कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी गिरता रहना चाहिए ठीक है तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होना ज़रूरी फुलफिल होना जरूरी है तो भी कंज्यूमर इन एकवली ठीक है ने एक तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर सर्प्लेस बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी है ठीक है ये आप डे टू डे लाइफ में आई थिंक आप रोज़ ही आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं ये चीज़ एग्जामिन कर पाओगे बट आप डे टू डे लाइफ में आपके साथ ये रोज़ होता है कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर डेफिशेंट सारी चीज़ें ये बहुत होती हैं ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस पहले हम समझ लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है सरप्लस से आप क्या समझते हो सरप्लस का मतलब ये होता है ना कि आप जो भी मतलब यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हम यहाँ पे प्राइस से समझते हैं ठीक है आप जो भी प्राइस पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिल रही है जैसे आपने प्राइस पे किया एक चॉकलेट का प्राइस पे किया टेन रुपीज़ क्या आपको उस चॉकलेट के कंजम्पशन से टेन यूटिल्स यूटिलिटी मिलेगी एजेंट ऐसा नहीं हो सकता होता है लेकिन बहुत कम केसेस में होता है या तो आपको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी या हो सकता है उससे कम यूटिलिटी मिले या एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आपको टेन इक्वल्स टू टेन मतलब टेन यूटिल्स ही मिलेगी मतलब आपको जब आपने चॉकलेट कंज्यूम किया डेरा मिल्क चॉकलेट लिया आपने जब आप उसको खाओगे तो एन यू आर लाइक की वाओ है ना तो आप बोलोगे वाहो बहुत टेस्टी है आपको क्या टेन न्यूडल्स मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा मिल सकता है या उसके बराबर भी मिल सकता है या उसके कम भी मिल सकता है जब ज़्यादा मिलेगा जब टेन से ज़्यादा मिलेगा ठीक है जब टेन से उसको ज़्यादा मिला सपोज uh, उसको मिल रहा है यहाँ पर सिक्सटीन सिक्सटीन इज़ ग्रेटर देन टेन है ना सिक्सटीन इज ग्रेटर देन दिन टेन फिर उसने एक और चॉकलेट कंज्यूम किया फिर उसको कितना मिला फोर्टीन स्टिल फोटीन इज ग्रेटर दैन टेन इज कंज्यूमर इज इन एक कंज्यूमर इज इन सरप्लस और नॉट कंज्यूमर सरप्लस मैंने क्या बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पर होता है जहाँ पर आप प्राइस कम पे कर रहे हो एज कंपेयर टू इट्स यूटिलिटी मतलब आपको जितनी यूटिलिटी मिल रही है उससे कम प्राइस पे कर रहे हो तो वहाँ पर कंज्यूमर क्या होता है इज इन सरप्लस ओके ये कॉन्सेप्ट आपको मार्शल ने दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट गोज बैक एट लीस्ट टू द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट इसके बाद इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिप्यूट ने यूज किया था जिसकी हिस्ट्री में आप आंसर को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद इसका देखिए मीनिंग मैंने क्या लिखा है कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे है ना फॉर अ गुड और सर्विसेस एंड द टोटल अमाउंट दैट दे एक्चुअली टू पे कह रहा है कि कंज्यूमर आपका तब सरप्लस पे होता है जब कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे मतलब जब कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे ज़्यादा होता है मतलब कंज्यूमर इतना पे करना चाहता था लेकिन एक्चुअली उसको इतना पे करना पड़ा ये एक्चुअली यहाँ पर यह क्या है मार्केट प्राइस है ठीक है और ये क्या है विलिंग टू पे मतलब जैसे उसने चॉकलेट डेयर मिल्क चॉकलेट जब ली थी तो उसने ये कहा कि इसको दस रुपये की नहीं होनी चाहिए इसको फिफ्टीन रुपीज़ की होनी चाहिए तो फिफ्टीन रुपीज़ इज़ वॉट विलिंग एंड एबल टू पे मतलब कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे रुपीज़ फिफ्टीन फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेयर मिल्क चॉकलेट बट एक्चुअली वॉट ही इज़ पेइंग रुपीज़ टेन सो कंज्यूमर सप्लस इज रुपीज़ फिफ्टीन गॉट इट समझ में आ गया ये होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस उसके बाद अब हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस का डायग्राम बहुत ईजी है देखिए मैंने बहुत ईजी वे में बताया है आपको पर इसको समझा देती हूँ ये आपका क्या है मार्केट प्राइस है ठीक है ये मार्केट प्राइस है और ये क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर ठीक ये मार्केट प्राइस है ये क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है लेकिन कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे दिस लेवल ऑफ प्राइस मतलब कंज्यूमर इज रेडी टू पे ओ बी बट एक्चुअली वॉट ही इज़ पे ओ ए दैन द डिफरेंस बिटवीन ओ बी एंड ओ एज बी ए दिस इज वॉट कंज्यूमर सरप्लस ओके तो ये जो आपका ट्राइंगल है ए बी सी ये जो शेडेड रीजन है ये क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस एरिया हो जाएगा यहाँ पर क्या है कंज्यूमर सरप्लस आई होप मेरा आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग उसके बाद कंज्यूमर सर्पस को कैसे हम फाइंड करते हैं हम वो समझ लेते हैं बहुत ईजी होता है जो भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ठीक है जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसका आप क्या कर लोगे समेशन कर लोगे उसको एड ऑन कर लोगे सारी चीज़ों को ऐड कर लोगे सारे मार्जिनल uh, यूटिलिटीज़ को ऐड कर लोगे उसके बाद उसको किससे माइनस करोगे प्राइस इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज मतलब जो भी उस कॉमोडिटी का प्राइस है जैसे कि टेन प्राइस है टेन चॉकलेट का प्राइस टेन था ना उसके बाद आप जितनी चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो जैसे फाइव कंज्यूम कर रहे हो तो फाइव लिख देना फोर कंज्यूम कर रहे हो तो फोर लिख देना जितना भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसके बाद सपोज एज्यूम कर लीजिए कि उसको उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मिल रही थी वो कितनी थी सिक्सटी थी ठीक है सिक्सटी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी थी और यहाँ पे प्राइस इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेस्ड तो सिक्सटी ये हो गया ये कितना था ये फोर है हाँ फोर है ये फोर्टी हो गया जब सिक्सटी माइनस फोर्टी करोगे देन यू विल गेट ट्वेंटी तो ट्वेंटी इज कंज्यूमर सरप्लस ठीक है फॉर्मूला में भी रख के आपको मैंने समझा दिया आई होप क्लियर हो गया होगा एकदम एक बार इसको टैबुलरली देख लीजिए टैबुलर कैसे इसको प्रेजेंट किया है मैंने पा, पाँच पांच यूनिट का कंजम्पशन हुआ है यहां पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिर रही है बिकॉज ड्यू टू मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो हमेशा गिरती जाती है और प्राइस आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा नेट एमयू क्या है नेट एमयू मैंने कैसे निकाला है ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इन दोनों को जब मैंने माइनस किया है तो ये मुझे मिल गया है एट मतलब यहाँ पे एमयू माइनस पी एक्स पी एक्स किया है तो मुझे यहाँ पे नेट एमयू मिल गया है ठीक है अब यहाँ पर क्या किया है देख लीजिए एक बार टेबल अच्छे से समझ लीजिए पांच यूनिट का कंज्शन हुआ है टोटल यूटिलिटी मुझे मिल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एट्टी और प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट और नेट एम यू मैंने निकाला है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस पी एक्स को जब माइनस किया है तो हम मुझे मिल गया है नेट मार्जिनल यूटिलिटी टेबल समझ में आ गई बिल्कुल ठीक अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पे है फॉर्मुले में रख के देखते हैं ठीक है कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग फाइव यूनिट्स ऑफ कॉम्योनिटी देख फाइव यूनिट्स ऑफ को कंज्यूम कर रहा है उसके बाद एट प्राइस ट्वेल्ल प्राइस रिमेन्स कॉन्टेंट कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एम यू सिगमा एम यू यहाँ पे कितना है एट्टी यहाँ पे आया है उसके बाद माइनस पी एक्स इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज पी एक्स क्या था आपका ट्वेल्व है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज फाइव है तो सिग्मा एम यू आपका एट्टी हो गया उसके बाद ये सिक्सटी हो गया जब एट्टी माइनस सिक्सटी को देन यू विल गेट ट्वेंटी ट्वेंटी इज वॉट कंज्यूमर सरप्लस ओके अब इसको मैंने इसी एग्जाम्पल को मैंने डायग्राम में रखा है डायग्राम आप एक बार समझ लीजिए डायग्राम भी बहुत ईजी है डायग्राम में मैंने देखिए यूनिट्स रखे हैं एक्स एक्सिस पे और प्राइस रखा है वाई एक्सेस पे प्राइस को रखा है एक्स वाई एक्सेस पे और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव यूनिट्स का कंजम्पन हो रहा है ये हो गया फाइव यूनिट्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब यहाँ क्यों प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये मैंने आपको बताया था कि प्राइस कॉन्स्टेंट होता है प्राइस कांस्टेंट हो गया आपका पाँच यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है लेकिन कंज्यूमर कहाँ तक दे रहा है यहाँ ये समझ लेते हैं एक यूनिट पे उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ट्वेंटी एक बार टेबल में देख लेते हैं ठीक है देखिए एक यूनिट में उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ट्वेंटी तो यही चीज़ें मैंने क्या करी हैं डायग्राम में शो करी है एज इट इज़ फर्स्ट यूनिट से ट्वेंटी मिल रहा है सेकेंड यूनिट से एटीन मिल रहा है वही चीज़ें मैंने डायग्राम में पोट कर दी है तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा कंज्यूमर का सरप्लस पता चल जाएगा तो अब ये क्या हो गया यहाँ तक तो प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट है उसके बाद ये ऊपर का पोर्शन क्या हो गया ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया ओके कंज्यूमर सरप्लस आपका निकल आया इजली अब उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक और अगर आप कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा बस आज का टॉपिक यही था और एक होमवर्क है आपके लिए वो उसे नोट कर लीजिए और इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ठीक है इसमें आपको बहुत इजी है आपको सेवन यूनिट्स का कंजम्पन हो रहा है कंज्यूमर कंज्यूम consume कर रहा है और प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट टेन है और यूटिलिटी ड्राइव फॉर मी सक्सेसिव यूनिट एम आपका दिया है वन टू थ्री फोर यूनिट्स से एम दिया है आपको इससे मुझे क्या निकालना है कंज्यूमर सरप्लस निकालना है कंज्यूमर सरप्लस निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो आपके सेशन में इतना ही था आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच